नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र और आप हैं होम गार्डन यूट्यूब पर। सामने एक नींबू का पेड़ है, उसकी ये ब्रांच है जो सूख रही है, आप देख पा रहे हैं। ये इस तरफ इसके ब्रांचेस गई हैं और आप अक्सर मुझसे ये बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं कि हमारे लेमन की ब्रांच सूख रही हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैं आज इसी पर वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और ये जो बीमारी है, ये आमतौर पर नींबू, आम, अमरूद, कटहल सभी फलदार पौधों में अक्सर आ ही जाती है और इसे बोलते हैं तना छेदक। आप देख सकते हैं ये होल, कुछ इस प्रकार से होल ये बीमारी जो पौधों में बना देती है और फिर धीरे धीरे हमारी जो ब्रांच है वो सूखना शुरू हो जाती हैं। और फिर जब कुछ ब्रांच का हिस्सा पहले सूखता है, उसके बाद हमारी जो पूरी ब्रांच है या पूरा पौधा ही सूख जाता है। तो इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या उपाय हैं, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं इसकी शुरुआत दिखाता हूँ कि इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। ये देखिए, ये जैसे गोंद निकलना कहते हैं, अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो ये प्रारंभिक लक्षण है पौधे में कीड़े लगने के, जिसे इल्ली भी बोलते हैं, गांव में बिलैया बोल देते हैं उसे। और दूसरा पौधा भी आपको दिखाऊं, ये आप देखिए, इस पर भी वही लक्षण है। और ये अगर आपको दिखने लगें ये, तो आप समझ जाइए कि आपको अपने पौधे की रोकथाम जो करनी है वो शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर ये रोग पूरी तरह फैल गया तो फिर ये देखिए, ये ब्रांच काटनी है, काट देनी ही पड़ेगी या सूख ही जाएगी। मैं और कुछ ब्रांच आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये ब्रांच भी पूरी तरीके से सूख गई है और इसे फिर मुझे तोड़ना पड़ा है। तो ये हमें देख रेख करती रहनी चाहिए कि हमारे प्लांट में क्या परेशानी आ रही है। और जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि नया ही प्लांट हो, पुराना ही प्लांट हो, ये कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की ब्रांच पर आ सकती है। ये देखिए, ये नई ब्रांच थी, ये भी पूरी तरीके से सूख गई है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नए पौधे पर आए या पुराने पौधे पर आए, ये एक प्रकार का रोग है जो जैसे ही पौधा आपका सूखने लगेगा तो सबसे पहले पत्ते झड़ना शुरू होते हैं, पीले पत्ते पड़ेंगे और उसके बाद इसकी जो नई शाखाएं वो सूखना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, पौधा ऐसे कलर छोड़ने लगेगा और उसके बाद उसकी ऊपरी शाखाएं सूखने लगेंगी और फिर आखिर में धीमे धीमे उसकी पूरी ब्रांच जो है ऐसे सूख जाएगी। देखिए, ये मेरा एक सागौन का प्लांट है, इसमें भी तना छेदक लग गया, ये देख सकते हैं आप। इस पर मैंने चूना लगा दिया है और उसके बाद इसमें काफ़ी आराम मिला है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम इसे किस प्रकार से, इस बीमारी को अपने पौधों में बढ़ने से कैसे रोकें। तो दोस्तों, तना छेदक बीमारी को रोकने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका अपना घर का ही है, जैसे ही आपको महसूस हो, और नहीं भी महसूस हो तब भी साल में दो बार आपको अपने पौधे को ऐसे, ये देखिए, चूने से मैंने इन्हें पेंट किया हुआ है, ज़मीन से लेकर 2 से 3 फीट तक आप अपने सभी फलदार पौधों को पेंट कर दें चूने से। इसके अलावा जैसे ही आपको महसूस हो कि वो गोंद छोड़ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, तो तुरंत ही उसे किसी चाकू से या लकड़ी की सहायता से उस गोंद को छुटा दें और वहाँ पर तुरंत गोबर, ताज़ा गोबर, वो चाहे गाय का हो, भैंस का हो, किसी का भी हो, जैसे आप ये देख सकते हैं ये गोंद है, तो इसे आपको किसी नुकीली चीज़ से इस प्रकार इस गोंद को छुटा देना है और उसके बाद इस लकड़ी पर ताज़ा गाय का गोबर मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, और अगर भैंस का गोबर है तो वो भी, यहाँ हल्का सा आपको खुरचना है जिससे जो ब्रांच थी वो साफ़ हो जाए
और जिस स्थान पर हमने इस गोंद को छुटाया है, यहाँ पर हमें ताज़ा गोबर लपेट देना है या पेंट कर देना है। हो सके तो आप किसी पॉलीथीन की सहायता से उस गोबर को बांध भी सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ तना छेदक लगाए, किसी खुरपी या टूल की सहायता से आप उस छाल को साफ करें। ये देखिए, और जहाँ पर मैंने पेंट किया उसके बाद ये छेद नहीं है, तो ऐसे ही आपको साफ करके और जो गोबर है उससे इसे लीप देना है, पेंट कर देना है। ये तो हमारा घरेलू उपाय हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं आमतौर पर आपको रासायनिक दवाओं का सजेशन नहीं देता हूँ, लेकिन अगर आपके पौधे में तना छेदक लगा है तो दोस्तों बिल्कुल देर ना करें। कोई भी बढ़िया कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक, ये जो गोबर वाला प्रोग्राम है ये छोटे स्तर के लिए, जब शुरुआत हो और आपको लगे कि आसानी हो सकती है इसे लगाकर, यह स्लोली काम करता है थोड़ा, लेकिन आपको अगर अपने पौधे को बचाना है, सूखने से उसे बचाना है, तो आपको कुछ कीटनाशक चाहिए होंगे हैवी। तो देखिए, मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, फिनाल फोर, भारतीय कीटनाशक दवाओं दुकानों पर ये आसानी से मिल जाता है, और ये मुख्यतः चींटियों और जो चीटे होते हैं बड़े और दीमक, ये उन्हें रोकने के लिए कीटनाशक है। ये एक पाउडर होता है दोस्तों, और मेरा ये खुद का आजमाया हुआ है। आप इसे पानी में घोल लीजिए और जितनी अधिक मात्रा घोल सकें, जैसे 1 लीटर पानी में आप कम से कम इसे 50 से 100 ग्राम घोल लीजिए, और उसका ढंग से बहुत अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें आप जो ब्रांच हैं उन सब पर। और स्प्रे करने का जो तरीका है दोस्तों, वो वही है कि कभी भी स्प्रे करें तो पौधे का कोई भी भाग आपको छोड़ना नहीं है। जहाँ कहीं आपने पौधे का भाग छोड़ा, वो जो कीड़ा है, तना छेदक कीड़ा है, इल्ली है, वो फिर वहाँ से शुरू हो जाएगी, और जो आपका जो ब्रांच है वो नीचे तो सूखना बंद हो जाएगी, हो सकता है किसी और दूसरे हिस्से से वो सूखना शुरू हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये एक पाउडर होता है और ये काफ़ी तेज़ कीटनाशक है, तो इससे जो बच्चे हैं उनकी पहुँच से आप दूर रखें। और इसके अलावा भी आपको बहुत से कीटनाशक तना छेदक मिल जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे ही यूज करें, लेकिन हैवी कीटनाशक यूज करें, क्योंकि आपका पौधा अगर सूख गया तो फिर आपको बड़ी मायूसी होगी। और ज़रूरी है, वही दुख तो होता ही अगर हमारा कोई प्लांट ख़राब होता है। तो ये तो प्रोडक्शन हो गया, दवा हो गई। इसके अलावा आपको क्या करना है कि तुरंत ही जो सूखी ब्रांचेज हैं उन्हें आप निकाल दीजिए। जितनी जल्दी हो सके आपको अपने पौधे की प्यूरिंग कर देनी है। जो सूखी ब्रांच हैं या जो शाखाएं हैं और जिनमें कीड़ा लगा हुआ है, देख आप देख सकते हैं, मैंने वो सभी प्रकार की शाखाएं तोड़ दी हैं, काट दी हैं अपने कटर से या आरी से। आपको भी अपने नींबू, आम, अमरूद या कटहल, जो भी आपके फलदार पौधे हैं, या ज़रूरी नहीं वो फलदार पौधे ही हों, उन सब की जो सूखी ब्रांच है उन्हें आप बिल्कुल निकाल दीजिए। आप ये देख सकते हैं। और पौधे की ज़मीन, ये जो रोग आता है तना छेदक, ये मुख्यतः एक जीवाणुदायक रोग है, और पौधे में अगर नमी कम रहे तो ये आमतौर पर जल्दी आता है। तो आप समय से अपने पौधे में पानी देते रहें, और देख रेख किसी भी फलदार पौधे को महत्वपूर्ण बनाती है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आप नींबू में बहुत सारे रोग आते रहते हैं, ये शुरुआत आप देख सकते हैं, पत्तों पर धब्बे पड़ रहे हैं, तो ये भी इसकी निशानी है कि इस ब्रांच में कहीं ना कहीं ये रोग, तना छेदक रोग लगा हुआ है। जो पूरी एनर्जी मिलनी चाहिए इन पत्तों को, इन ब्रांच को, वो नहीं मिल रही। आप इस लीव को देखिए, पत्ती को देखिए, इसमें कहीं भी कोई धब्बा नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये ब्रांच बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन अगर आप गौर से देखें और जिस ब्रांच में भी परेशानी होगी, उस ब्रांच की पत्तियां धब्बेदार या ये सुकड़ी सी
कह सकते हैं ये ऐसी हो सकती हैं। तो ये एक जनरली आसानी वाली पहचान है, इसे आप आसान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि जो भी आपके फलदार पौधे हैं उनमें ध्यान रखें, और ध्यान रखने वाली यही बात है कि कोई भी सूखी ब्रांच आपकी अवशेष नहीं रहनी चाहिए, बचनी नहीं चाहिए। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से निश्चित ही लाभ होगा, और जो आपकी बागवानी है या खेती है या फिर गार्डनिंग है वो अच्छी तरीके से चलेगी। मेरी पूरी कोशिश है कि किसान भाइयों के साथ साथ जो भी गार्डनर हैं या प्लांट लवर हैं उनको मैं अपने अनुभवों से लाभान्वित कर सकूं। आप भी अपनी राय मुझे भेज सकते हैं, आप भी अपने अनुभव मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके जो अनुभव हैं उन्हें आगे शेयर करूँगा, तो सभी का लाभ होगा। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।